दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग हैं जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से, वहीं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो एग्ज़ाम टाइम में ये चार गलतियाँ भूल कर भी मत करना, नहीं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन गलतियों की, जिसमें से तीसरी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। पर उससे पहले हम बात करते हैं पहली गलती की, जो हर स्टूडेंट में कॉमन होती है, चाहे वो एक टॉपर हो या फिर एक एवरेज स्टूडेंट। स्ट्रेस, टेंशन और डर। दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम में हर स्टूडेंट को इस बात की टेंशन होती है, डर होता है कि उसका एग्ज़ाम कैसा जाएगा, जिस वजह से वो स्ट्रेस लेने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और लास्ट मोमेंट पर आकर नर्वस हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए आपको डरना नहीं है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। क्वेश्चन अगर ईजी होगा तो सबके लिए ईजी होगा, और अगर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा। बस आपको अपना 100% देना है। दूसरी गलती जो 99% स्टूडेंट करते हैं वो है एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले या फिर सिर्फ एक दिन पहले पूरा सिलेबस लेकर बैठ जाना। वो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ेंगे और एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरा सिलेबस लेकर बैठ जाएंगे, और वही लोग बाद में ये कहते हैं कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। अगर आपको पढ़ने के लिए पूरा साल मिला है तो थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ो, साल में सिर्फ एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे खतरनाक गलती की। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम खराब जाने की वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं, जो कि आज हमारे जेनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी रिजल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा कि आप आगे जाके क्या करोगे या क्या बनोगे। एग्ज़ाम तो बस एक टेस्ट है, एक मीडियम है, जिससे ये पता चलता है कि आपने पूरे साल क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है। इसीलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग क्या कहेंगे अगर आप फेल हो जाओगे तो, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये सब सोचकर परेशान नहीं होना है। स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा हो तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आएंगे। इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे से मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम में टॉप कर जाइए। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी गलती की। बहुत से स्टूडेंट एग्ज़ाम में प्रेशर की वजह से टाइम पे खाना नहीं खाते हैं और अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। अगर आपका हेल्थ सही नहीं होगा तो फिर आप कितना भी पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए टाइम पर खाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और चाहते हो कि अपने सिलेबस को जल्द से जल्द ख़त्म कर ले तो राइट वाली वीडियो ज़रूर देखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस को और देखने के लिए।